हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी चारधाम यात्रा का है दूसरा दिन और हम सभी निकल पड़े हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कितना अच्छा व्यू है। नज़ारे देखिए, क्या नज़ारे हैं। गंगा जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और बादलों के साथ हम चले जा रहे हैं अपनी सफ़र की ओर। ये सफ़र काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि सफ़र में हम सब इतने सारे लोग हैं और इतने बढ़िया भजन गाते हुए ये सफ़र कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चल रहा है। गंगा जी की लहरों के साथ हम जाते हैं बद्रीनाथ की ओर। सफर में रास्तों का मजा कुछ और ही है। जब रास्ते इतने प्यारे होते हैं तो सफर में मजा दुगना हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये देव प्रयाग है, ये पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है। यहाँ पे दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं और गंगा नदी बन जाती है। एक साइड अलकनंदा है, एक साइड भागीरथी है। ये टहरी गढ़वाल जिले में ही आता है देव प्रयाग। आप दोनों का पानी देख सकते हैं, एक साइड का थोड़ा अलग है, एक साइड का थोड़ा अलग है। दोनों पानी के सीड्स में थोड़ा अंतर है। संगम देख के बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा।
काफ़ी देर हो गई, तो अब हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा हो जाए। तो हम आ गए हॉलीडेज होम्स में, जहाँ पे हमने हमारी पेट पूजा की। काफ़ी अच्छा व्यू था इस होटल से, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कैप्चर किया हुआ है ये मैंने होटल से किया हुआ। जल्दी जल्दी बद्रीनाथ तक पहुंचना भी है, और अभी बद्रीनाथ बहुत दूर है।
रास्ते अब थोड़े थोड़े डेंजर हो रहे हैं, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। देखिए हमारी बस बिल्कुल कॉर्नर पे ही चली जा रही है।
फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बद्रीनाथ, और अब हम जा रहे हैं अपनी होटल की ओर जहां पे हम रुकने वाले हैं, जहां हमारे स्वामी जी की कथा है। जी हाँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे दिन से, कल से बद्रीनाथ का पूरा पूरा वीडियो, बद्रीनाथ जी के दर्शन कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।